नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। ये हो रही है प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग ग्रेटर नोएडा के अंदर केबी इंडिया मार्ट। तो ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग ऐसे होती है, बहुत धूम धड़ाका, जो जहाँ पे जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन सबको बुलाया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्च किया जाता है प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार माहौल। यहाँ पे एक साथ इन्वेस्टर और सारे लोग आते हैं और बहुत ही शानदार माहौल होता है। देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इन्वेस्टर है, इसमें प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार माहौल, लोग इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ये एक तरह से इन्वेस्टर मीट की तरह माना जाता है कि इन्वेस्टर की मीट, यहाँ पे सब कुछ रहता है, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, फन, इंजॉयमेंट। देखिए कितनी भीड़ है लॉन्चिंग के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, मैं दिखा रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी ग्रैंड ओपनिंग की जाती है। तो बहुत अच्छा है प्लेटफार्म रहता है, एक ही जगह पे आपको मालिक मिल जाते हैं प्रोजेक्ट के, इन्वेस्टर मिल जाते हैं, कंसल्टेंट मिल जाते हैं, आपके बिछड़े दोस्त मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही शानदार माहौल रहता है, एक तरह से हम इसे मिनी इन्वेस्टर मीट कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि केबी इंडिया ने आज प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो मैं आपको अंदर के सीन दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल, यहाँ पे एक साथ सारी जानकारी दी जाती है प्रोजेक्ट की कि क्या बजट है, क्या प्राइस है, क्या यूनिट है, तो सारी जानकारी एक साथ दी जाती है। देखिए कितनी भीड़ है इन्वेस्टर की। हाँ जी, मैं निकल रहा हूँ, आप वीडियो बनाओ। तो ये देखिए बहुत ही शानदार माहौल, और प्रोजेक्ट के मालिक भी यहीं हैं, डायरेक्टर सारे यहीं हैं, एक ही जगह पर आप सब लोगों से मिल सकते हो। बहुत ही शानदार माहौल रहता है ये गेट टुगेदर का, मिलने जुलने का, सारे कंपनी के डायरेक्टर और सारे लोग रहते हैं। तो कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो आपको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट लॉन्च में ये फ़ायदा रहता है कि एक ही शॉट में आप एक ही जगह पे सब लोगों को मिल लेते हो, ये सबसे अच्छी है। देखिए कंपनी के मालिक भी सबको वेलकम कर रहे हैं, ए बी ग्रुप के मालिक, बहुत ही शानदार माहौल। पीछे प्रोजेक्ट की डिटेल्स ही रहती हैं। केबी इंडिया मार्ट की जो लॉन्चिंग के मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही हेल्दी माहौल। आपके जब भी मौका लगे, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो, ATS हो या कोई बड़ा ग्रुप हो, छोटा ग्रुप हो, तो उस टाइम को जरूर यूटिलाइज करें, वहाँ जाएं, प्रोजेक्ट को समझें, इन्वेस्टर को सारे जो क्वेश्चन है सबके जवाब मिलते हैं उसके अंदर, और आपको वहाँ जाके सचमुच अच्छा लगेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट लॉन्च पर नहीं गए हैं तो प्रोजेक्ट लॉन्च पर ज़रूर जाएँ, इससे आपको उस प्रोजेक्ट को समझने में आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुविधा रहती है प्रोजेक्ट समझने में, ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। आज से लगभग 5 साल पहले मेरे गुरु श्री गुरु बिहारी जी द्वारा अपना पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट नेटोडा के सेक्टर एफर्ट में केबी कॉम्प्लेक्स की लॉन्चिंग का आयोजन भी आप सभी की उपस्थिति में किया गया था। आप सभी का साथ, भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा और आपकी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हमने केबी कॉम्प्लेक्स को दिए हुए समय से 2 साल पहले सफलतापूर्वक पूरा किया। आज लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रेटर नोएडा शहर में इन्वेस्टर और ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। आज वही विश्वास, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ मेरा ग्रुप श्री पूंजी बिहारी आप सभी की उपस्थिति में ग्रेटर नोएडा में आपके नाम से इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ अपना दूसरा प्रीमियम प्रोजेक्ट केबी इंडिया मार्ट को लॉन्च कर रहा है। ये कहते हुए आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मेरा और मेरी कंपनी के लिए श्री पूरी बिहारी जी इंफ्राकॉम प्राइवेट के लिए बड़े गर्व का दिन है।
हमारे साथ जो केवी इंडिया मार्ट एक आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट है, जो आज की खास लाइफ स्टाइल और क्वालिटी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खूबसूरत तरीके से अर्ध चंद्राकार शेप में एनसीआर के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट ज्ञानपी माथुर और उनकी टीम के साथ खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ डिजाइन किया गया है। केवी इंडिया मार्ट चारों ओर अपने घुमावदार स्वर के साथ घूमती हुई खूबसूरत छह मंजिला इमारत है। इसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर जानकारी दे रहे हैं पूरी प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही अच्छा मिलने का पॉइंट रहता है। तो दोस्तों जब भी मौका लगे तो आप प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में जरूर जाएं और उस चीज़ को समझें।